प्रदेश में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जनवरी 2022 से लेकर अब तक प्रदेश में डेंगू के कुल 7,134 मरीज मिल चुके हैं। बीते वर्ष इसी अवधि में डेंगू के 29,750 रोगी मिले थे, यानी कि बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अब तक 4 गुना कम मरीज मिले हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक करके स्थिति की समीक्षा की और उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्लेटलेट्स आमतौर पर वायरल फीवर में भी कम हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि डेंगू में ही प्लेटलेट्स घट रहे, ऐसे में डेंगू को लेकर घबराएं नहीं। सबसे पहले तो बता दें कि प्रदेश में सबसे ज्यादा 1,171 डेंगू मरीज प्रयागराज में ही मिल चुके हैं। वहीं लखनऊ में 1,058 केस मिले हैं, गाजियाबाद में 513 केस मिले हैं, अयोध्या में 458 और जौनपुर में 371 डेंगू के मरीज मिले हैं। उप मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में अस्पतालों में बेहतर उपचार और जांच व सभी जरूरी दवाओं का इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी अस्पतालों में फीवर हेल्प डेस्क खोलने और डेंगू की कार्ड व इलाज की निःशुल्क व्यवस्था और जांच की व्यवस्था भी कराई जाए। लगातार उत्तर प्रदेश में डेंगू के हालात खराब होते जा रहे हैं। डेंगू का जब भी सीजन आता है, ये मौसम ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा डेंगू के लार्वा पनपते हैं, और ऐसे में ये काम होता है नगर निगम का या नगर पालिका का, जिससे उस क्षेत्र में जहां पहले सबसे ज्यादा इस प्रकार के मरीज निकले थे वहां पर फॉगिंग करना और ऐसी दवाएं डालना जिससे कि इनके लार्वा न पनपे और लोगों को जागरूक करना, और इसी की शायद कमी रही जिसकी वजह से हालात इस साल फिर से खराब होते जा रहे हैं, जिसमें प्रयागराज नंबर 1 पर।